नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 क्लासिक 350 डार्क गन मेटल ग्रे के बारे में। दोस्तों, नई प्राइस लिस्ट जो है वो गन मेटल ग्रे की आ चुकी है 2024 की जनवरी की, और आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके फीचर्स और कंपनी क्या ऑफर दे रही है 2024 के अंदर, और कितनी डाउन पेमेंट देके आप इस बाइक को बाय कर सकते हो। मेरा नाम है संदीप कैंत, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देसी राइडिंग व्हील्स। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो बाइक आपके सामने खड़ा है, ये है डार्क सीरीज का गन मेटल ग्रे, और मैं इस वक्त खड़ा हूँ अष्टावक्रा ऑटो में, जो कि लुधियाना में बस्सी जोधेवाल एरिया में अवेलेबल है। और अगर आपको कोई भी रॉयल एनफील्ड की बाइक चाहिए तो मैं नीचे इनके नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप इनसे बात कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और ये है गन मेटल ग्रे। वैसे तो डार्क सीरीज के अंदर एक और कलर आपको देखने को मिलता है, डार्क स्टेल्थ ब्लैक, जो कि फुल ब्लैक कलर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोनों का प्राइस आपको सेम मिलने वाला है, और क्लासिक सीरीज के अंदर आपको पता है टोटल 5 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। ये एक लौता मॉडल है जिसमें आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर फीचर की बात करूँ तो ये आपको ट्यूबलेस टायर के अंदर मिलता है, 190 का फ्रंट टायर मिलेगा आपको, 19 इंचेस का अलॉय व्हील आपको मिलेंगे, और स्टेट आपको अलॉय व्हील मिलेंगे ब्लैक कलर के अंदर, और अलॉय व्हील के ऊपर आपको ब्लू कलर की यहाँ पे लाइन देखने को मिलेगी। ड्यूल चैनल ABS में आपको ये बाइक देखने को मिलता है। इसमें आपको जो फ्रंट ब्रेक है 300 mm की मिलेगी, और बाइब्री के आपको इसके अंदर कैलिपर मिलेंगे, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, यहाँ पे आपको सस्पेंशन भी ब्लैक कलर के अंदर ही मिलेंगे, और आपको जो मडगार्ड है ये आपको मेटल के अंदर ही मिलेगा। लेकिन देखिए आप यार, मैट ग्रे कलर के अंदर आपको इसका मडगार्ड देखने को मिलेगा। इसमें जो कॉम्बिनेशन होगा, और ब्लैक और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा आपको। जो हेडलाइट है ये आपको हेलोजन बल्ब टाइप मिलेगी, यहाँ पे आपको कैप मिलेगी क्रोम के अंदर, आप देख सकते हो। इसके जो यहाँ पे पायलट लैंप है ये आपको बल्ब टाइप ही मिलेंगे, यहाँ पे आउटिंग आपको क्रोम के अंदर मिलेगी। इसमें जो इंडिकेटर है ये आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेंगे, फ्रंट ग्लास आपको ऑरेंज कलर के अंदर मिलेगा, और इसमें आपको बल्ब टाइप इंडिकेटर ही मिलेंगे। हालांकि आप इसको चेंज करवा सकते हो, आप इसमें LED इंडिकेटर लगवा सकते हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है तकरीबन 4,500 रुपये। दोस्तों, मिरर की बात करूं तो आपको इसमें मेटल के अंदर ही मिरर मिलेंगे, ब्लैक कलर के अंदर फ्याम के, और हैंडल बार भी आपको फुल ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलेगा। रोटरी स्विचेस मिलेंगे इसके अंदर, जिसमें आपको हॉर्न का स्विच मिलेगा, इंडिकेटर का स्विच, हाई बीम लो बीम पास, आई बटन, USB पोर्ट मिलेगा फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, यहाँ पे इंजन किल का, इंजन स्टार्ट का बटन और हज़ार्ड का बटन मिलेगा। यहाँ पे जो लीवर्स हैं ये भी आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेंगे, और यहाँ पे मॉडर्न की मिलेगी, डिजी एनालॉग आपको इसके अंदर मीटर मिलने वाला है, जिसमें आपको 160 तक की स्पीड मिलेगी, न्यूट्रल इंडिकेशन, बैटरी इंडिकेशन, ABS, इंजन मैलफंक्शन और रिजर्व की इंडिकेशन आपको इसके अंदर मिलेगी। छोटा सा कंपनी ने डिजिटल मीटर भी दिया हुआ है, जिसमें आपको फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिलेगी, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ और इको मोड भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर आपकी बाइक जो है अगर स्पीड 40 से 60 के बीच आ रही है तो यहाँ पे इको लिखा हुआ आपको मिलेगा। छोटा सा स्लॉट है यहाँ पे जो कि ट्रिपर नेविगेशन के लिए है, आप इसके अंदर लगवा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन MIY ऐप के थ्रू लगवा सकते हो, वो आपके नाम पे ही बाइक बन के आएगी। 5,000 रुपये आपको तकरीबन एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उसके लिए, और उसकी बुकिंग 20,000 रुपया होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल बुकिंग होगी। दोस्तों, फ्यूल टैंक आपको इसके अंदर 13 लीटर का मिलेगा, जिसमें आपको आप देख सकते हो जो कैप है ये क्रोम के अंदर मिलेगा, E20 की बैजिंग मिलेगी, और यहाँ पे आपको थाई पैड मिल जाएंगे, रॉयल एनफील्ड 3D के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा ब्लैक कलर के अंदर, सीट आपको स्प्लिट मिलेगी इसके अंदर, और ब्राउन कलर के अंदर इसकी सीट देखने को मिलेगी। रेयर सीट को आप रिमूव भी कर सकते हो, और रेयर जो यहाँ पे ग्रैब रेल है ये आपको मेटल के अंदर मिलेगी ब्लैक कलर के अंदर। रेयर जो मडगार्ड है ये भी आपको मेटल के अंदर ही मिलेगा, और रेयर टेल लाइट आपको बल्ब टाइप देखने को मिलेगी। रेयर टायर आपको काफ़ी चौड़ा मिलेगा, 120/80 का, 18 इंचेस का, और रेयर ब्रेक आपको 270 mm की मिलेगी बाइब्री के कैलिपर के साथ। साइड बॉक्स भी आपको मेटल के अंदर ही मिलेगा, क्लासिक 350 की ब्रांडिंग मिल जाएगी यहाँ पे, और ये पार्ट आपको प्लास्टिक का मिलेगा सिर्फ इसके अंदर, और जो चेन कवर होगा ये आपको प्लास्टिक के अंदर मिलेगा, ये आप देख सकते हो। बाकी सारी बाइक आपको मेटल के अंदर ही मिलने वाली है। इसका वेट 195 kg आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड भी मिल जाता है, और लेडीज़ के पैर रखने के लिए भी यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। फुट पैक्स काफ़ी चौड़े आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, और अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूँ तो आपको फुली ब्लैक कलर के अंदर इसका एग्जॉस्ट मिलेगा। दोस्तों,
आप देख सकते हो दोस्तों, जो इसका इंजन है ये भी आपको फुल ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा, और ऑल न्यू J1 सीरीज का आपको इसके अंदर इंजन मिलने वाला है, जिसमें अब आपको किक नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको सेल्फ मिलती है। J1 349 सीसी का इंजन है, 20.2 की BHP क्रिएट करता है ये इंजन, और 27 न्यूटन मीटर की इसकी टॉर्क है। EFI इंजन है, एयर ऑल कूल्ड, और दोस्तों ये वाइब्रेशन लेस इंजन है और इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, और काफ़ी आपको पावर मिलती है इसके अंदर, और आप चला के देखना, ज़बरदस्त इंजन है। माइलेज काफ़ी अच्छी दे जाता है आपको, 35-40 आपको इन सिटी माइलेज मिल सकती है, हाईवे के ऊपर 40+ भी मिल सकती है, और डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में चलाते हो और कौन से रोड पे चला रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसकी माइलेज जो है वो मिल सकती है। चैसिस की बात करूँ तो आपको इसके अंदर ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम के अंदर इसकी चैसिस देखने को मिल रही है, जिसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। एक बार आपको मैं इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ किस प्रकार का आता है। काफ़ी हैवी एग्जॉस्ट नोट है दोस्तों, और ये जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है ये कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसके नंबर्स भी आपको लिखे हुए मिल रहे हैं। दोस्तों ये तो थे बाइक के फीचर्स, अगर दोस्तों मैं बात करूँ इसके प्राइस की, इसका लुधियाना में एक्शोरूम प्राइस है 2,20,991 रुपये, और दोस्तों ऑन रोड पड़ता है लगभग 2,54,500 रुपये, जिसके अंदर कंपनी आपको एक हेलमेट फ्री दे रही है, 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस दे रही है, 3 साल 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है, और दोस्तों 4 सदस्य की लेबर आपको साथ में फ्री मिल रही है। दोस्तों अगर मैं डाउन पेमेंट की बात करूं तो काफ़ी कम डाउन पेमेंट पे आप इस बाइक को बाय कर सकते हो, तकरीबन अगर आपको मैं एस्टिमेट बताऊं तो 15,000-20,000 रुपये डाउन पेमेंट देके आप इस बाइक को बाय कर सकते हो। नीचे मैंने डीलरशिप के नंबर शेयर किए हैं, आप इनसे बात कर सकते हो, अदरवाइज आप नियर बाय डीलरशिप से बात कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आपका घर अपना होना चाहिए, आपका सिबिल स्कोर 720 से ऊपर चाहिए, और अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आती है, अगर आप जॉब करते हो तो बढ़िया है, अदरवाइज आपके पास ITR चाहिए। अगर आपको कम से कम डाउन पेमेंट देनी है तो, अगर आपका बिजनेस अपना है तो ITR चल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर।